टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी मैथ ऑनर्स जो पार्ट वन में है, हाइपरबोलिक फंक्शन जो कि ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट होता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिगोनोमेट्री के हाइपरबोलिक फंक्शन का फर्स्ट क्लास है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लो। कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो कि आपको काफी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे है साइन हाइपरबोलिक जेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन ऑफ एनी रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ जेड आर डिफाइंड, जो कि हाइपरबोलिक को हम साइन कोसाइन में किसी में रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लगा के हम उसको क्या करते हैं, हाइपरबोलिक से डिफाइन करते हैं। कोई भी साइन हो गया, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब में ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है, छह निष्पत्ति है, इन छह फंक्शन में हम किसी में भी रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लगा के हम उसको हाइपरबोलिक से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक जेड, हम फॉर्मूला कुछ लिखे हैं जो कि आपको काफी जरूरत पड़ेगा। तो साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला होता है ई टू डी पावर जेड माइनस ई टू डी पावर माइनस जेड बाय टू, ये आपका साइन हाइपरबोलिक जेड का एक फॉर्मूला है। कॉस हाइपरबोलिक जेड का ई टू डी पावर जेड प्लस ई टू डी पावर माइनस जेड बाय टू, ये आपका कॉस हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला है। ओके, और फिर उसके बाद टेन हाइपरबोलिक जेड, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, साइन में माइनस हो जाता है और कॉस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। टेन हाइपरबोलिक जेड को साइन हाइपरबोलिक जेड बटे कॉस हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से दो दो कट जाएगा, तो ई टू डी पावर जेड माइनस ई टू डी पावर माइनस जेड बटे ई टू डी पावर जेड प्लस ई टू डी पावर माइनस जेड। आप ये दोनों याद कर लो, साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड, बाकी सब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉट हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन, तो ई टू डी पावर जेड प्लस ई टू डी पावर माइनस जेड बटे ई टू डी पावर जेड माइनस ई टू डी पावर माइनस जेड। कॉस एक हाइपरबोलिक है तो साइन का उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, टू बटे ई टू डी पावर जेड माइनस ई टू डी पावर माइनस जेड। सेक हाइपरबोलिक जेड है, कॉस का उल्टा कर दो तो हो जाएगा टू बटे ई टू डी पावर जेड प्लस ई टू डी पावर माइनस जेड। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला था जो कि जेड है, और यहाँ पे बता रहा है साइन है जो नेम को बताता है और थीटा एंगल को बताता है, जबकि साइन हाइपरबोलिक, साइन एच जिसको हम हाइपरबोलिक कहते हैं, ये नेम को बताता है, और जेड जो है कॉम्प्लेक्स होता है या फिर कभी कभी रियल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी। जेड, जेड के बारे में बताया गया कि जेड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल, जबकि साइन हाइपरबोलिक एच तक जो है वो एक नेम है, नाम है ओनली। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन आई एक्स, आई एक्स मतलब आयोटा के टर्म में कॉम्प्लेक्स में है, तो अगर हम इसको साइन आई एक्स है और इसको अगर हाइपरबोलिक में बदलना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये सब सारे फॉर्मूला का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें प्रूफ भी बता दूंगा, अभी मैं केवल फॉर्मूला का जो होता है कुछ इंट्रोडक्शन उसी के बारे में बता रहे हैं डायरेक्टली। कॉस आयोटा एक्स, तो यहाँ पे आई वाले टर्म में, आई वाले टर्म को हमको हाइपरबोलिक टर्म में बदलना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। टेन आई एक्स इज इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। कॉट आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सेक आई एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स। कॉसेक आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉसेक एक्स। ये आपका आई वाला टर्म है, मतलब आयोटा वाले टर्म को अगर आप कॉम्प्लेक्स में बदलना चाहते हैं तो वो कैसे बदलता है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जितना आयोटा वाला टर्म है ट्रिगोनोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शन में बदला गया। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में है, अब हम उसको आयोटा में बदलना चाहते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो हो जाएगा माइनस साइन माइनस आई साइन एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो कॉस आई एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स है माइनस टेन आई एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स है आई कॉट आई एक्स। और सेक हाइपरबोलिक एक्स है सेक आई एक्स। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स है आई कॉसेक आई एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ताकि आप आसानी से किसी भी चीज को, इसमें भी और सारे फॉर्मूले हैं, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला है, अभी फिलहाल मैं 12-18 फॉर्मूला को ही दिखा रहा हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, हम अब इसके अनुसार अब कुछ क्वेश्चन को देखेंगे।
तो ये सब आपका हाइपरबोलिक फंक्शन था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये सब फॉर्मूला आयोटा वाले को हम हाइपरबोलिक में बदल कैसे रहे हैं, कैसे होता है, वो सारा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये था हाइपरबोलिक। और हाँ, कुछ स्टूडेंट के कमेंट की वजह से मैंने हाइपरबोलिक पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर ये सब प्रॉब्लम है, इसको आप वीडियो बना के चढ़ाइए। तो मैं यहाँ पे है, आपका क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस आई साइन ए, ये दे दिया गया आपको। बोल रहा है प्रूव डेट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ऐसा बोल दिया गया हमको, ये दे दिया गया और हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं गिवन डेट, जो हमें दे दिया गया है हम उसे पहले लिख लेते हैं, उसे कुछ तोड़ते हैं। तो साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस आई साइन ए, ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आई वाला टर्म में क्वेश्चन है, मतलब हमको दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन हमको प्रूफ जो कहने बोल रहा है, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक टर्म है, आई वाला टर्म नहीं है। तो मतलब हमको जो दिया गया है आयोटा वाले टर्म को आप हाइपरबोलिक टर्म में बदल दो, फिर उसके बाद सॉल्व करने के लिए कुछ कह रहा होगा ऐसा ही कुछ। तो ठीक है, हम देखते हैं अभी। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का हम फॉर्मूला जानते हैं, 12th में आप पढ़े होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये, आयोटा वाले टर्म को ब्रैकेट में रख देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस ए प्लस आई साइन ए। ओके, अब हम जानते हैं साइन अल्फा की जगह पे साइन अल्फा लिख दिए। अब इस आयोटा वाले टर्म को हमको किस में बदलना है, हाइपरबोलिक फंक्शन में, क्योंकि हमको हाइपरबोलिक फंक्शन में पहले बदलने के लिए कहा जा रहा प्रूफ के अनुसार। तो हम आयोटा वाले टर्म को हटा के हाइपरबोलिक फंक्शन में बदलेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़े थे कॉस आई एक्स, कॉस आई एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, मतलब आई के जगह पे एच लिख दीजिए और एक्स की जगह पे एक्स रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे कॉस आई बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक बी, बीटा बी नहीं बीटा, बीटा लिख दें। फिर उसके बाद कॉस अल्फा की जगह पे कॉस अल्फा है। अब यहाँ पे है साइन आई बीटा, साइन आई बीटा को हम क्या बदल सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो पहले लिख देते हैं आई साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख देते हैं कॉस ए प्लस आई साइन ए। ओके, अब हम इसके बाद इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, कोफिशियंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, ए आई एम सॉरी आई एम ए टी आई एन ए आर वाई इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं इसमें, इक्वेटिंग कर रहे हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट क्या होता है, वैसे पार्ट जिसमें आयोटा के टर्म नहीं होते, मतलब आई वाला टर्म नहीं होता, वो रियल पार्ट हो जाता है। तो बराबर के इस साइड में ये मेरा रियल पार्ट है, और बराबर के इस साइड में देखो इस दोनों में आई वाले टर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू कॉस ए, हम इसको इक्वेशन वन मान लें। अब रियल पार्ट को हम इक्वल कर लिए हैं, अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आई वाले टर्म होते हैं, आई वाला टर्म यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। हम इसके आई वाले टर्म को नहीं लिखे, आई वाले टर्म को लिखे आई को नहीं लिखे, क्योंकि ये आई और ये आई आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम आई वाले टर्म को आई को लिखते हैं, आई को नहीं लिखते, आई वाले टर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन वन और टू। यहाँ पे हम क्या किया, इक्वेटिंग किए हैं दोनों तरफ, ये मेरा रियल पार्ट था इसके साथ, और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट था, ये और ये आपस में इमेजिनरी पार्ट था, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से इक्वल करते हैं। तो इक्वल करके लिख दिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन एडिंग। हम क्या बोले कि
आप स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद उसको ऐड कर लीजिए, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर के दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम स्क्वायर करके लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब ऐड भी करना है तो हम बराबर के साइड वाले सारे टर्म को ऐड कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस सॉल प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये मेरा हो गया इतना हुआ। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आखिर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा जो सोल्यूशन है वो आपको कॉस में बोला जा रहा है, जब कॉस में बोला जा रहा है तो मेरा जो सोल्यूशन है वो कॉस में आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, साइन है, तो इस साइन को बदलने के लिए हम क्या कर लिए, कॉस में बदल दिए। अब यहाँ पे हम इसको बदल रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब ये हाइपरबोलिक में एक फॉर्मूला हम बताना भूल गए थे यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वन, हम पढ़े थे इससे पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्व में पढ़े हैं। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, पहले कॉस को लिखना है फिर साइन को माइनस में करना है और इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वो वन के बराबर हो जाता है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वन, ये हाइपरबोलिक में ऐसा फंक्शन होता है। हम क्लास टेन में पढ़े थे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x या z प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू वन, ठीक है। और यहाँ पे है cot हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस cos x हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीन फॉर्मूला का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैंने ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z का। तो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख दिए, वन है माइनस तो इधर है तो प्लस होके इधर हो जाएगा। अब आखिर हम इसी को क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखा हुआ था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का यूज नहीं था इसलिए मैंने इसको बदल दिया प्लस। अब हम इसको क्यों नहीं बदल रहे, ये तो मेरा जस का तस है, मिल चुका है आंसर के अनुसार आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा भी है और साइन स्क्वायर बीटा भी है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन हो गया। अब ये दोनों का आपस में मल्टीपल, वन का वन के साथ माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर उसके जब इसके इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ऑन टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन। ये प्लस ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बराबर के इस साइड में प्लस है, बराबर के इस साइड में प्लस है, बर्बाद हो गया है, मतलब खत्म हो चुका है। अब आपके पास बचा है यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस है तो उस और भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे बन गया आपका बचा हुआ है बराबर के इस साइड में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। हमको यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, हम सीधा करके लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब।